सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सेकेंड चैप्टर नन्हे चूजे की दोस्त। पहले चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा और आई होप आप लोगों को समझ भी आ गया होगा और आपने सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व भी कर लिए होंगे। यस डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड चैप्टर एंड योर चैप्टर नेम इज नन्हे चूजे की दोस्त। स्टूडेंट, फर्स्ट यू नो दैट नन्हे, नन्हे मीन्स होता है छोटा, मीन्स छोटे मतलब बहुत छोटे जो मतलब चीज़ होता है ना उसको हम बोलते हैं नन्हे, मीन्स स्मॉल। अगर इंग्लिश में अगर जाओगे देखने तो मतलब छोटा, ठीक है, स्मॉल। तो नन्हे चूजे की दोस्त, और चूजे मीन्स होता है चूहे की बच्चा, ठीक है, और दोस्त मीन्स मित्र, ठीक है, इंग्लिश में जिसे हम फ्रेंड कहते हैं और हिंदी में क्या बोलेंगे, दोस्त, ठीक है स्टूडेंट। सो अभी हम जो है पढ़ने जा रही हूँ हिंदी, और पढ़ते पढ़ते मैं क्या करूँगी, आपको जो है समझाती जाऊँगी, ठीक है। तो अगर जिसकी अर्थ नहीं समझ में आएगा मैं उसके अर्थ बताऊँगी, आप लोग प्लीज़ फोकस करिए अपने टेक्स्ट बुक पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर योर हिंदी एंड योर चैप्टर नेम इज नन्हे चूजे की दोस्त। नाउ टाइम टू एवरीवन पे अटेंशन ऑन योर टेक्स्ट बुक, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग। ओके स्टूडेंट्स, एक थी बिल्ली चमकीली आँखों वाली, गोल मटोल काली काली पूँछ थी उसकी और सफ़ेद मूँछ। अभी स्टूडेंट्स आप बता, आप सोच सकते हो कि एक इमेजिन कर सकते हो अपने दिमाग में कि एक जो बिल्ली थी, ठीक है, बिल्ली तो सबने देखा ही होगा सबके घरों के आसपास, और वो अक्सर घर में भी आ जाती है, ठीक है। तो जो बिल्ली थी ना उसकी आंखें जो थी गोल मटोल, मीन्स बहुत ही गोल टाइप में, और उसकी पूँछ जो थी काली खाली, लेकिन उसकी जो मूँछ थी वो क्या थी, बहुत ही सफ़ेद थी, बहुत ही मतलब सफ़ेद था, ठीक है। तो ये हम जो है बता रहे हैं कि बिल्ली जो है कैसी थी, उसकी पूँछ कैसी थी, उसके जो है मूँछ कैसी थी, और काली, और उसके जो आँख कैसे थे, तो हम इसके बारे में बता रहे हैं इसमें, ठीक है। देखने में वह बहुत अच्छी लगती थी शेर की मौसी जो ठहरी, मीन्स देखने में तो बहुत अच्छी लगती थी, ऐसे लगता था कि वो क्या है, शेर की मौसी है, ठीक है। बिल्ली रोज सुबह शिकार के लिए घर से निकल पड़ती, वह चूहे खरगोश और छोटी चींटी की चिड़ियों की शौकीन थी। अभी रोज़ जैसे सुबह होता है ना, तो जैसे हम लोग जो है अपने काम के लिए निकल जाते हैं, वैसे बिल्ली भी रोज़ सुबह होते ही वो शिकार के लिए निकल जाती थी। शिकार मीन्स अगर वो मतलब मान लीजिए हम क्यों बाहर आते हैं, हम क्यों मान लीजिए जो है टीचर है वो स्कूल में जाता है पैसे कमाने के लिए, और पैसे हम क्यों कमाते हैं, क्योंकि हमें कुछ मतलब अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूरी करनी है, हमें जो है खाने की अपनी जो है कुछ, यस बहुत सारे दिनचर्या चीज़ें हैं जिसे हमें जो है ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से बिल्ली जो है रोज़ सुबह शिकार के लिए जो है घर से निकल जाती थी, मीन्स अपने खाने के लिए कुछ जो है ढूंढने के लिए वो निकल जाती थी। वह चूहे खरगोश और चिड़ियों की शौकीन थी, मीन्स उसको ज़्यादा मतलब कौन लगता था अच्छा, तो खरगोश लगता था, छोटी जो है चिड़ियों की शौकीन थी, मीन्स शौकीन भी जो उसको मतलब बहुत पसंद करती थी, उसको अच्छा लगता था। कभी कभार मेढक और गिलहरी भी खा लेती थी, कभी कभी तो चींटी मतलब जो है ऐसे भी करती थी वो बिल्ली कि कभी कभी जो है वो मीन्स एक सुबह नन जो है कभी कभार मेढक और गिलहरी भी खा लेती थी, मीन्स कभी कभी उसको लगता है इतना भूख लग जाता था कि वो मतलब मेढक को भी नहीं छोड़ती थी और गिलहरी को भी नहीं छोड़ती थी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एक सुबह एक नन्हा मुन्ना नरम रुई के गोले जैसा चूजा अकेला खेल रहा था। एक सुबह मीन्स जैसे जैसे भी सुबह हुई थी, ठीक है, तो एक नन्हा मुन्ना जो है नरम इस बहुत ही मुलायम जो है ऐसे लग रहा था रुई, आपने कॉटन देखा होगा जो कितना सॉफ्ट होता है, कितना मुलायम होता है, तो चूजा जो था वो अकेले खेल रहा था, ठीक है, मीन्स उसके साथ कोई नहीं था, बहुत ही छोटा था। वह उसे पकड़ने के लिए दबे पाँव उसकी ओर बढ़ने लगी। अभी जो है बिल्ली उसको भी मतलब सोच रही थी कि अकेले है कोई नहीं है, तो ऐसे मतलब ऐसा उसके मन में नहीं था, लेकिन जो है वो दबे पाँव मीन्स धीरे धीरे जो है वो जा रही थी और आगे बढ़ने लगी बिल्ली। जब वो उसके पास पहुंची तो चूजा उसे देखकर जरा सा भी नहीं डरा। अभी जो चूजा है, चूहे का जो छोटा बच्चा है, ठीक है, तो बिल्ली को जो देखता है ना तो डरता नहीं है, मीन्स ऐसा नहीं लगता कि हाँ बिल्ली आ रही तो मुझे खा जाएगी, ऐसा तो हम डर जाते हैं ना, मीन्स अक्सर जो दूसरे चूहे होते हैं वो डर जाते हैं, लेकिन वो ऐसा चूजा है कि बहुत ही छोटा है, उसको मतलब ये सारी चीज़ें कुछ पता नहीं है और वो डरता भी नहीं है बिल्कुल भी। यस,
चूजे ने पहली बार बिल्ली देखी, वो उसे बहुत अच्छी लगी। और इस तरह से चूजा जो है वो पहली बार बिल्ली को देख रहा था, तो उसको मतलब कुछ डर नहीं था, वो मतलब बिंदास था। और उसको मतलब बिल्ली जब देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसको ऐसा भी शायद लगा कि चलो हम इसके साथ क्या करेंगे, मस्ती करेंगे, खेलेंगे, चलो मेरी ये दोस्त बन जाएगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो सोच रहा था, लेकिन उसको थोड़ा भी मतलब डर नहीं लग रहा था जब भी वो पहली बार जो है बिल्ली को देखा। चूचा किलकारियाँ भरने लगा, चूचू करके बिल्ली के चारों तरफ घूमने लगा। और इस तरह से जो चूचा था, जो चूचा जो मतलब चूहे का जो बच्चा था, किलकारियाँ भरने लगा, किलकारियाँ भरने में लगे वो मस्ती करने लगा, कुछ जो है ऐसे बातें करने लगा। चूचू मतलब उसके चारों तरफ घूमने लगा अपने, और अपने आवाज़ में जो है वो बोलने लगा, ठीक है, और उसके चारों तरफ और बिल्ली के चारों तरफ जो है घूमने लगा। वह कभी बिल्ली के पूंछ पकड़ने की कोशिश करता तो कभी उसकी मूंछ। अभी वो मतलब इतना उसको मतलब उसको प्यार हो गया उससे, इतना हम बोल सकते हैं कि इतना मतलब उसको बिल्ली अच्छी लगी कि कभी तो उसकी पूंछ पकड़ लेता था और कभी कभी तो उसकी मूंछ भी पकड़ने की कोशिश करता था। क्योंकि जो है मतलब उसको थोड़ा भी बिल्ली से डर नहीं था कि वो मुझे खा जाएगी या फिर इन सारी कोई भी चीज़ों की उसकी डर नहीं था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। बिल्ली को भी उसकी शरारत दे बहुत मन भाई, वह भी म्याऊं म्याऊं करके चूजे के साथ खेलने आई। और इस तरह से बिल्ली को भी जो है उसकी शरारत जो थी, जो चूजे की शरारत थी, वो बहुत ही पसंद आने लगी। और वो भी म्याऊं म्याऊं मीन्स वो भी अपनी आवाज़ में जो है क्या करने लगी, चूजे के साथ खेलने लगी। चूजा और बिल्ली खेलने में मस्त थे, तभी मुर्गा माँ वहाँ आई। अभी जैसे ही वो बिल्ली और चूहा दोनों जो है मिलके क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, तभी जो है उस चूजे की जो है माँ आ जाती है उसी टाइम पे। वह अपने बच्चे को बिल्ली के साथ खेलते देख घबरा गई। अभी कोई भी माँ जो है अगर उसको पता है कि हाँ इससे नुकसान होने वाला, ठीक है, और वो उसके बच्चे के साथ है, तो उसको क्या होता है, डर लगता है। तो उस तरह से उसकी माँ जो है चूजे की माँ पहले तो घबरा जाती है। मुर्गी समझ रही थी कि बिल्ली चूजे को खा जाएगी, घबराहट में वो रोने लगी, क्योंकि मुर्गी को पता था कि वो क्या करेगी, उसके साथ जो है वो खेल रहा है तो शायद वो चूजे को खा ना जाए, इसके लिए जो है वो घबरा गई थी और रोने लगी थी। बिल्ली ने सोचा कि मुर्गा को समझाना चाहिए कि ऐसा कोई बात नहीं है। अभी जो बिल्ली सोचती है कि इसके मतलब मन में चूजे की जो माँ है उसके मन में गलत फहमी हो गई है, तो उसको समझाना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्ली मुर्गे की ओर बढ़ी, और इस तरह से बिल्ली जो है वो मुर्गे की तरफ जाती है, आगे बढ़ती है। चूजा उचक कर बिल्ली की पीठ पर बैठ गया। अभी चूजा को मतलब इतना उससे लगाव हो गया, इतना प्रेम हो गया है कि अभी जो है चूजा जो है उचक कर मिस उठ कर मिस हम बोले तो कूद कर जो है बिल्ली के पीठ पर बैठ गया। अब तो मुर्गी और भी डर गई। अब मुर्गी जो मतलब चूजे की जो माँ थी, अब तो वो और डर गई कि बिल्ली जो ज़रूर उसके बच्चे को खा जाएगी, इसके लिए वो बहुत ही डर गई। बिल्ली ने मुर्गे से कहा, नहीं नहीं डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो। मिस हे मुर्गी, तुम मतलब तुझे डरने की कोई बात ही नहीं है, तुम बिल्कुल भी मत डरो, तुम बिल्कुल बिंदास रहो, मैं इसे नहीं खाऊंगी, यह तो बहुत प्यारा है। और बिल्ली जो है बोलती है कि मैं इसे नहीं खाऊंगी, ये तो मैं इसे प्यार करती हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है, ये मुझे बहुत प्यारा है, मुझे भी इससे प्यार हो गया है। और बिल्ली कहती है कि इस चूजे से तो मुझे भी प्यार हो गया है, मैं इसे नहीं खाऊंगी, तुम मत डरो, बिल्कुल भी मत डरो। चूजा कूद कर माँ के पास आ गया, मुर्गी की जान में जान आई। जब चूजा जो था वो जब कूद कर अपने माँ के पास जाता है, तब हाँ मतलब मुर्गे को ऐसे लगता है कि हाँ अभी मतलब उसके जी में जी आता है, अभी ऐसा लगता है कि हाँ उसके बच्चे जो उसके पास आ गया है। तो इस तरह से जो है वो बहुत ही मतलब जो है मुर्गी जो है वो डर जाती है बिल्ली से। मुर्गी ने उसे जी भर के लाड किया, लाडमिश होता है प्यार किया, प्रेम किया, ठीक है, माँ अपने बच्चों से कैसे प्यार करती है, तो उस तरह से मुर्गी ने भी जी भर के लाड किया, प्यार किया। बिल्ली अब भी वहीं थी, चूजा दौड़कर फिर से बिल्ली के पास गया और बोला, आज से तुम मेरी दोस्त और मैं तुम्हारा। और इस तरह से बिल्ली भी अब वहाँ से जो है जाती है और दौड़ चूजा जो है दौड़ के फिर से बिल्ली के पास आ गया और जो है बोलता है, आज से तुम मेरे दोस्त और मैं तुम्हारा। और इस तरह से दोनों जो है चूजा
और वो बिल्ली जो है एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, ठीक है, अच्छी वाले दोस्त, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बिल्ली को बहुत अच्छा लगा, फिर तो धीरे धीरे सब उसके दोस्त बन गए। और इस तरह से बिल्ली को जो है ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब चूजा जो है उसका दोस्त बन गया है, वो भी उसकी दोस्त बन गई है। और इस तरह से दोस्त मतलब क्यों हम बनाते हैं, क्योंकि हम दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो हमें मतलब किसी को ना कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। कभी किसी को मतलब अगर आप अच्छे से ट्रीट करोगे, अच्छे से मतलब देखोगे, तो हमेशा हम दुनिया में एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, ठीक है। हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस दिन तो आप, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग अच्छे से पढ़िए और घर पे रहिए और सेफ रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।